कथा गृहस्थ में लोग परलोक का सुधार कैसे हम कर सकते हैं। हम गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, उसमें बहुत उलझने रहती हैं, उसमें रहते हुए हम लोक और परलोक कैसे सुधार सकते हैं। आप ध्यान दें मेरी बातों पर। हम लोगों की यह धारणा है कि गृहस्थ में बाहर के बहुत काम रहने से, बहुत झंझट रहने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। बाहर के सब झंझट मिट जाए तो हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। इस विषय में विचार करने से यह बात मालूम देती है कि बाहर के काम धंधे से बंधन नहीं है। भीतर जो संसार को अपना मान लिया है और अपने को संसार का मान लिया, यही बंधन है। यहाँ से बंधन होता है, वहाँ से ही मुक्ति होती है। संसार के साथ तो हमारा संबंध है और परमात्मा से तो परमात्मा का भजन करके संबंध जोड़ेंगे। यह धारणा गलत है। भगवान से हमारा संबंध वास्तविक है और संसार से हमारा संबंध जोड़ा हुआ है। इसको अपना न माने और भगवान को अपना माने। भगवान अपने हैं ऐसा अगर हम मान लें और जान लें तब तो फिर कहना ही क्या है। पर अभी मान भी ले तो फिर गृहस्थ में रहते हुए यह काम धंधा झंझट नहीं लगेगा। गृहस्थ के काम को आप बंधन मानते हैं जबकि यह बंधन नहीं है। दुख सुख दुख सबे कृत्वा। भगवान ने युद्ध के आरंभ में अर्जुन को गीता सुनाई। उसमें बताया कि जय पराजय, हानि लाभ और सुख दुख, इनको समान समझ करके फिर तुम युद्ध करो। तुम पाप नहीं लगेगा। आपके गृहस्थ का कर्म युद्ध जैसा क्रूर तो नहीं है। युद्ध में दिन भर लोगों का गला काटना पड़ता है, मनुष्यों को मारना पड़ता है। ऐसे काम से भी तुम्हें पाप नहीं लगेगा। कब, जब जय पराजय, हानि लाभ और सुख दुख को समान समझकर युद्ध करोगे तब हम संसार की उन्नति और संसार की अवनति को अवनति मानेंगे। तब तो यह समानता नहीं होगी। संसार के लाभ को हम लाभ मानेंगे और संसार की हानि को हम हानि मानेंगे, तब तक समानता नहीं आएगी। गृहस्थ में ही क्या, अगर साधुओं में भी ऐसी इच्छा हो कि अपने संप्रदाय प्रचार अच्छा हो जाए, लोग हमारे को आदर दें, लोग हमारे को अच्छा माने, हम आराम से रहें, तब तो वह साधु गृहस्थ से किसी दर्जे में कम नहीं है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भीतर से यह भाव रहे कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। भगवान का यही कुटुंब है और इसके पालन की जिम्मेदारी मेरे पर है, पर यह मेरे नहीं है और मैं इनका नहीं हूँ। इनके पालन पोषण की जिम्मेदारी मेरी है और यह काम मेरे को करना है। ऐसे समझकर जो गृहस्थ में काम करता है तो वह काम करता हुआ भी बनता नहीं है, क्योंकि बंधन काम धंधे में नहीं है, व्यक्तियों में नहीं है, वस्तुओं में भी नहीं है। अपने आप के भीतर बंधन है जो कि इनमें आपने अहंता और ममता की है। संसार मात्र का छोटा सा अंग शरीर में मैं मान लिया, अर्थात अपने को शरीर मानने लग गया। पांच भूतों से रचा हुआ यह संसार है, इसका छोटा सा टुकड़ा यह शरीर, इसको आपने मैं मान लिया और इस संसार के कुछ व्यक्तियों में वस्तुओं पर लिया मेरापन। यह मैं और मेरापन है बंधन। मैं मेरे की जेवड़ी गल बांध्यो संसार, दास कबीरा क्यों बधे जाके राम आधार। मेरा मानना है कि तो मात्र संसार को मेरा मान लो, फिर मात्र संसार की सेवा करो तो मुक्ति हो जाए, और इन सब में ही मैं हूँ ऐसा मान लो तो मुक्ति हो जाए। अपने को रख लिया संसार में मानो शरीर में, और शरीर को रख लिया अपने में, अपने में शरीर को रख लिया, यह हो गई अहंता। और अपने को संसार में रख लिया, यह हो गई ममता। और गीता भाग 2:71, यह अहंता और ममता छोड़नी पड़ेगी। कोई गृहस्थ में रहे चाहे साधु आश्रम में रहे, काम धंधा थोड़ा रहे चाहे ज़्यादा रहे, छोटे से अंश को अपना मान लिया न, अब चाहे साधु बने चाहे गृहस्थ बने, बंधन हो गया है। इसमें गृहस्थ और साधु का भेद नहीं है। इस विभाग से विशेष लाभ हो जाए, यह बात नहीं।
साधुओं को थोड़ा समय अधिक मिल सकता है, और अगर वह चाहें तो, और यदि साधु भी इसी काम धंधे में लगा हुआ है तो इसको भी वक्त नहीं मिलता। आप विचार कर देखो, आपके एक गांव में एक घर में काम धंधा करता है और उसका बंधन रहता है। मेरे बहुत से गांव हैं, बहुत से घर हैं, बहुत से मनुष्य मेरे परिचित हैं तथा वे सब मेरे से आसरा रखते हैं, और आपके गृहस्थ में इतना बंधन नहीं है। अगर घर गृहस्थ में बंधन हो तो मेरे बहुत बड़ा बंधन होना चाहिए और होगा ही। हमारे बंधन अगर उनको अपने लिए माने तब तो हम अपने लिए ना माने और उनके लिए ही बंधन रखें तो हम नहीं बंधेंगे। हमारे लिए उनसे संबंध रखेंगे तो इतना बड़ा बंधन होगा ही कि गृहस्थ से भी कभी नहीं होता। हमारे लिए उनको मानेंगे तब वहाँ मान मिलेगा, बड़ाई मिलेगी, आराम भी मिलेगा और भोजन भी मिलेगा, कपड़ा भी मिलेगा, सवारी भी मिलेगी और पुस्तक भी मिलेगा, सुविधा भी मिलेगी, मान बढ़ाई भी मिलेगी, आराम भी मिलेगा। अगर ऐसा बंधन रखते हैं तो गृहस्थ की अपेक्षा साधु के ज़्यादा बंधन होगा, क्योंकि उसका बहुत से बंधन है। अगर हम अपने लिए करके केवल उनके लिए ही संबंध रखें कि उनका हित कैसे हो, उनका उद्धार कैसे हो और उनका भला कैसे हो। मेरा शरीर है, मेरा मन है और वाणी है, इंद्रियां हैं, भाव हैं, ये उनकी सेवा में ही लग जाए, जितना लग गया उतना हमारे लाभ हो गया, हमारा बड़ी भारी कल्याण भी हो गया, हमने उनसे जितना ले लिया उतना हमारा नुकसान हो गया, हानि हो गई। ऐसा विचार रखकर लोगों के साथ संबंध रखा जाए तो अपना बंधन नहीं होगा, ऐसे मुक्ति आपके गृहस्थ में रहते हुए भी हो सकती है। माँ मेरा कहना करें, पिताजी मेरा कहना करें, स्त्री मेरे हुक्म में चले, बाल बच्चे भी मेरा कहना करें, भाई भौजाई भतीजा और भी मेरा कहना मान लें, मेरा आदर करें, मेरे कहे अनुसार जी चले, जब तक यह भाव रहेगा तब तक भी कल्याण नहीं होगा। इसकी जगह यह भाव हो जाए कि इनकी सेवा मेरे से बन जाए, किसी तरह से मुक्त पहुंच जाए, इनको आराम पहुंचा सकूं तो मुझे मुक्ति बांधन नहीं होगा। मनुष्य की एक बड़ी भारी कमी है कि वह अपना आधिपत्य चाहता है और मेरा आधिपत्य रहे, मेरी बात चले, मैं कहूं जो वही हो और दूसरे मेरी बात कोई माने, ऐसा जो अपना अधिकार जताता है तो यह तो कुत्ता भी चाहता है। कोई दूजा कुत्ता आ जाता है तो यहाँ का कुत्ता दौड़ता है और काटने के लिए वह काटे तो दूजे काटते हैं, वह नीचे गिर जाता है और जीभ से उंग उंग करके लग जाता है तो दूजा कुत्ता उस पर चढ़कर सवार हो जाता है, अब आधिपत्य हो गया उस पर, इस वास्ते वह काटेगा नहीं, उसने उसका मातित अपने को मान लिया। आप लोग मेरी बात मान लें, इसी अधिकार का अभिमान रखेंगे तो बंधन होगा ही। साधु हो जाओ चाहे गृहस्थ हो जाओ, भाई हो जाओ चाहे बहन हो जाओ, कोई क्यों न हो, गृहस्थ के झंझट बांधने वाले नहीं हैं, पदार्थ बांधने वाले नहीं हैं, ये मेरे हैं, इस वास्ते इनका पालन करूं, इनका पोषण करूं, यह मेरे को अपना माने और मैं इनको इनके साथ रहूं, यह बंधन है, केवल इनके पालन के लिए संबंध रखें, संसार में अपने लिए नहीं रखना है, संसार के लिए रहना है, गृहस्थ में रहना है तो गृहस्थ अपने लिए नहीं। अगर ऐसे भाव बदल दिया जाए तो बंधन स्वप्न में भी नहीं हो सकता, अगर यह सावधानी रहेगी तो स्वप्न में भी बंधन नहीं होगा, जागृत में भी बंधन नहीं होगा, हो ही नहीं सकता बंधन। मेरा कुछ मतलब सिद्ध हो जाए इस भाव में बंधन है, गृहस्थ में रहता हूँ इनमें मैं सुख ले लूँ, इस वास्ते गृहस्थ का पालन करो, यह संबंध कुत्ते की तरह ही है, कोई फर्क नहीं है, मेरे द्वारा सबका हित हो जाए, इसमें सबसे पहले अगर गृहस्थ में है तो अपने कुटुंब का पालन करो, उसके बाद दूसरों का भी भरण पोषण करो, इनका काम करने के लिए मैं रहता हूँ अपने लिए नहीं, तो वह जीवेगा भी सुख से और मरेगा भी सुख से। अगर मेरे लिए ये है और मैं इनसे सुख ले लूँ, ऐसा भाव रखेगा तो वह जीवेगा भी दुख से और मरेगा भी बड़े कष्ट भयंकर दुख से। बंधन और मुक्ति कहाँ है, मेरा आधिपत्य हो, समाज में मेरी बात चले, मैं
करूं जो हो जाए, मेरे हुक्म का अनुसार सब चलें। यह भाव बांधने वाला है और मैं इनका कहना करूं, इनका हुक्म पालन करूं, इनकी आज्ञा पालन करूं, इसका भला हो जाए। मैं किस तरह से सबके अनुकूल चल सकूं, ऐसा भाव हो जाए तो यह भाव मुक्ति देने वाला है। तो मुक्ति और बंधन यहाँ है। गृहस्थ में रहते हुए झंझट ज़्यादा रहता है, समय नहीं मिलता, यह बात ठीक है, परंतु बंधन यह नहीं है। अभी बड़ा सुंदर मौका है, मनुष्यों की सेवा करने के लिए अवसर मिला है, सेवा कर दो। घर में कोई रहे तो उसकी सेवा कर दो, मर जाए तो जला दो, उसके पीछे विधिपूर्वक पिंडदान आदि कर दो। जैसे हम अध्याय पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते अध्याय पूरा हो जाता है, अध्याय पूरा होने पर रोते हैं क्या कि अब अध्याय पूरा हो गया। ऐसे ही एक व्यक्ति की सेवा करते करते वह मर गया, उसकी सेवा कर दी, मरने के बाद जो करना है वह कर दिया तो एक अध्याय पूरा हो गया। अब दूसरा अध्याय शुरू करो। रोना क्यों होता है? यह हमारे अनुकूल चलना था, खूब सेवा करता था, मेरा था वह चला गया, मेरा था और सेवा करता था, इस बात का रोना है, मनुष्य का रोना नहीं है। या अगर पहले से छोड़ दे तो अपना गृहस्थ बिल्कुल बाधक नहीं होगा। श्रेष्ठ सेवा क्या है? सबका कल्याण चाहना, उनका कल्याण हो, यह श्रेष्ठ सेवा है। घर में, कार्यालय में अनुशासनहीनता दिखाई पड़ती है तो इसमें क्या करें? सोचते हैं कि यह छोड़ दें, इसे मुक्ति पा लें, उनको रोकने के लिए शासन करें। अर्जुन ने तलवार बजाई है, इससे उससे बढ़कर आपका शासन क्या क्रूर होगा? मनुष्यों का गला काट देना, इससे बढ़कर कोई क्रूर होता है क्या आपका शासन? इसमें यह भावना हो कि मेरा कहना करे, मेरी बात माने, क्योंकि इसमें है बंधन। यह सुचारू रूप से करे, संचालन अच्छी तरह से हो, संस्था ठीक से चले, गृहस्थ ठीक से चले, इनका हित हो, इसके लिए खूब ताड़ना करो, खूब करो शासन। आपके बाधा होगी ही नहीं, बाधा तो सामर्थ स्वार्थ में है, अभिमान में है। मेरी बात रहे या अहंकार है, अहंकार राक्षस महा दुखदाई, सब भांति जो छूटे इस दुष्ट से सोई पावे शांति। शासन करो पर करो उनके हित के लिए, अपने हित के लिए नहीं। दूसरे कितना भी उल्टा समझो, आप अगर ठीक करते हो तो आपके बंधन नहीं होगा। किसी अधिकार पद से मुक्त पाने मैं कहता हूँ ही नहीं, ऐसा मुक्ति पाना गलती है। इसमें तो आराम तलबी है, भोग सुख से रहूं, मेरे झंझट मिट जाए, यह बात है। झंझट से बचना चाहते हैं, आराम चाहते हैं, एकांत में रहेंगे, भजन साधन करेंगे, कोई झंझट नहीं होगा। एकांत रहने से नींद खुली आएगी अच्छी तरह से, संसार के संकल्प होंगे, मौज से रहेंगे, आराम से रहेंगे। वह भोगी है, भोगी वह योगी है ही है नहीं, इससे मुक्ति कैसे हो जाएगी, इसका कैसे कल्याण होगा जाएगा? संसार वैराग्य होता है तो भोगों से होता है कि झंझट से वैराग्य होता है? भोगों से वैराग्य होना चाहिए, झंझट समझकर वैराग्य होता है तो वह वैराग्य थोड़े ही है। ऐसा वैराग्य तो कुत्ते को भी होता है, लाठी देकर उसके पीछे दौड़े तो वह भाग जाएगा, क्योंकि उसको लाठी मार खाने से वैराग्य है। यह भी कोई वैराग्य होता है क्या? सुख भोगों से, आराम से, मान बढ़ाई से जब राग रहित होता है तब तो वैराग्य होता है। दो चार सज्जन मिलकर काम करते हैं, आपस के विचारों में मतभेद हो तो क्या करें? अपना मत उनके सामने रख दें, दोनों में से जो न्याय युक्त हो उसको मान ले और उनका अगला व्यक्ति कह दे कि नहीं ऐसा ही करो, तो उस समय अपना मत उनके मत में मिला दे, विपरीत हो तो मत मिलाओ। देखो यह बात याद आ गई, मैं आसाम गया था, देवर गांव की बात है, उस गांव को चरानी भी कहते हैं। वहाँ मैंने कहा कि बड़ों को नमस्कार करो तो वे लोग बोले कि अभी थोड़े दिन पहले यहाँ श्री नेहरू जी आए थे, उनको किसी ने नमस्कार कर लिया तो उन्होंने उसके थप्पड़ मारी और कहा कि इसी रिवाज ने ही भारत को गुलाम बनाया है, बड़ों को नमस्कार करना चाहिए, तो अब हम किसका कहना करें? मेरे सामने ऐसा प्रश्न आया कि तुम्हारा कहना माने कि नेहरू जी का? इस पर मैंने उत्तर दिया, जहाँ मेरा और नेहरू जी का कहना हो और दोनों में मतभेद हो तो नेहरू जी का कहना करो, मेरा कहना मत करो, और शास्त्रों की बात आती है तो वहाँ न मेरा कहना करो न नेहरू जी का कहना करो, शास्त्रों का कहना करो।
शास्त्रों में आता है, जब महाभारत का युद्ध हुआ उस समय युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, शैल्य जी को जाकर नमस्कार किया और आज्ञा मांगी, फिर युद्ध किया तो अंत में विजय उनकी हुई। दुर्योधन ने नमस्कार नहीं किया तो उसका पराजय हुआ। नमस्कार करना पराजय है क्या? नमस्कार करना तो बड़प्पन है, उसकी तो उन्नति हो ही होगी। छोटा होता है वह बड़े से लेता है, बड़ों को देना पड़ता है। हमारे सामने मतभेद हो तो उनकी बात मानो, हमारी मत मानो, और शास्त्रों की बात है तो मेरी नहीं, उन दोनों की बात मत मानो, शास्त्रों की बात मानो। जो दुनिया ज़्यादा लाभदायक हो वह बात चाहे जिसकी हो उसकी मानो। अपने स्वार्थ का त्याग और दूसरों का हित हो, ये दोनों बातें देखनी चाहिए। उनकी बात ऐसी है तो उनकी बात मान लो, हमारी बात ठीक है तो हमारी बात मान लो, यह कसौटी लगा लेना चाहिए। नीयत और ठीक होगी और कभी भूल हो जाए तो दोष नहीं लगेगा। इस कहानी का यह तात्पर्य है कि हमको अपने अनुसार किसी को न चलाएं, हम दूसरों के अनुसार ही चलें तो क्या होगा? हम बंधन में नहीं बंधेंगे और हमारा क्या होगा? कल्याण होगा और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और हमारा भला हो जाएगा।